हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों बीएससी फाइनल ईयर का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो हमारा एक थ्योरम है बीएससी फाइनल ईयर का, ये क्वेश्चन कहता है कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, देन ए बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज इक्वल टू जी। या फिर यहाँ पे बोला जाता है इफ जी इज फाइनाइट दे ए बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी वेयर सेंटर ऑफ जी इज सेंटर ऑफ द जी। सिंपल सी बात है, जेड जी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ जी बोलते हैं, ठीक है, या समूह का केंद्र बोलते हैं। इसी को हिंदी में लिखा हुआ है, यदि जी एक क्या है, समूह है और ए क्या करता है, बिलोंग करता है जी में, तब ए बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ नॉर्मलाइजर ऑफ जी, नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, आपका जी होगा, ठीक है। दूसरी बात कि ए बिलोंग्स टू, ए यदि परिमित है, फाइनाइट है, तो ए बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी यदि और केवल यदि नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज इक्वल टू नॉर्मलाइजर ऑफ, सॉरी, ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी आपको मिलेगा, ठीक है। जहां पे सेंटर ऑफ जी इज इक्वल टू एक क्या होता है, ये समूह जी का एक केंद्र होता है, ठीक है। चलिए इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमको सबसे पहले डेफिनेशन पता होना कि चाहिए कि नॉर्मलाइजर का डेफिनेशन क्या होता है और सेंटर का डेफिनेशन क्या होता है। दोनों के डेफिनेशन के हिसाब से आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम बात करते हैं नॉर्मलाइजर की। जी क्या है, हमारे पास ग्रुप है, ये दिया ही है, तो हम बोलेंगे नॉर्मलाइजर ऑफ ए को हम डेफिनेशन कैसे अप्लाई करेंगे। तो ऐसे एक्स बिलोंग करेगा जी में जो ए के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे या फिर क्रम इन्वर्जन सेटिस्फाई करता है, मतलब एक्स इंटू ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू एक्स, है ना, ए इंटू एक्स। तो ये जो मेंबर का कलेक्शन होंगे, उन सभी मेंबर का कलेक्शन जो ए के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का सेटिस्फाई करता हो, वो सभी मेंबर का कलेक्शन कहाँ पे आएगा, नॉर्मलाइजर ऑफ ए में आएगा, ठीक है। अब दूसरा बात आता है सेंटर ऑफ जी, ठीक है। सेंटर ऑफ जी में क्या होते हैं, ऐसे जेड जो बिलोंग करता है जी में उसका कलेक्शन, ऐसे जेड का कलेक्शन जो जी के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, ठीक है। जेड इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड वेयर फॉर एवरी एक्स, या यहाँ फॉर एवरी एक्स जो कहाँ पे रहेगा, जी में रहेगा। ध्यान समझना, ऐसे जेड का कलेक्शन जो जी के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो वो कहलाएगा सेंटर ऑफ जी। और नॉर्मलाइजर क्या होगा, ऐसे एक्स का कलेक्शन जो केवल एक ही एलिमेंट जो कि ए, ए के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा वो नॉर्मलाइजर कहलाएगा, ठीक है। और हम हमेशा ये जानते हैं कि नॉर्मलाइजर इज अ सब ग्रुप, ठीक है, सब ग्रुप ऑफ जी, दिस इज द ऑलवेज, ठीक है। ये क्या होता है, ऑलवेज रहता है, क्योंकि उसी के मेंबर का ही तो कलेक्शन है, जी का ही मेंबर का कलेक्शन है। तो क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्मलाइजर ऑफ ए सबसेट ऑफ जी ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा ये सब ग्रुप है। तो यहाँ से हम क्या पता चला, ये एक इक्वेशन हमको मिल जाता है, ठीक है। अब हमको चूंकि क्या चाहिए, नॉर्मलाइजर ऑफ ए इक्वल टू बी चाहिए, ठीक है। यदि हमको कोई भी दो सेट को इक्वल बताना हो तो हम क्या करते हैं, ये दो सेट इक्वल तभी हो सकता है जब ए इज अ सबसेट ऑफ बी या बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यही होता है हमारा, है ना। तो या तो ए जो है बी के इक्वल हो रहा है तो उसके इसमें ये तभी संभव है, या तो ए जो है बी का सब्जेक्ट हो और बी भी सब ए का सब्जेक्ट हो, मतलब दोनों ही चीज समान चाहिए। तो हमने क्या लाया पहले, नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ जी, ये हमने ला लिया। अब हमको क्या चाहिए, जी इज अ सबसेट ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए, ये चाहिए। और यदि हमने ऐसा ला लिया तो हम लोग प्रूव कर लेंगे कि ऐसा आएगा, ठीक है।
ठीक है बेटा, इक्वलिटी आएगा। अब इसके लिए हमको क्या दिया है, तो देन दिया है, ये दिया गया है। तो हम मान लेते हैं कि माना कि ए बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी, ए क्या है वो सेंटर ऑफ जी में बिलोंग करता है, ठीक है, समझ गए। ए एक ऐसा मेंबर है जो सेंटर ऑफ जी में बिलोंग करता है, ऐसा हमने कहा, क्या किया, मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ जी में ये बिलोंग करता है ना, तो ये ए सेंटर ऑफ जी का मेंबर किस टाइप के होते हैं, ऐसे मेंबर का कलेक्शन सेंटर ऑफ जी में मौजूद रहते हैं जो ग्रुप के सारे मेंबर के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रोमैग्नोनियम सेटिस्फाई करता है। तो यहां पे जेड के स्थान पे क्या है, ए है, ठीक है, तो हम यहां पे जेड के स्थान पे रहते हैं, तो ए इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ए, यहां पे हम क्या लिखेंगे, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, ये लिखेंगे। आया समझ में। दूसरी बात, अब हमको देखना है नॉर्मलाइजर में क्या होता है, नॉर्मलाइजर में क्या रहता है, ऐसे एक्स बिलोंग करता है जी में जो ए के साथ ही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो यहां पे एक्स तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, किसके साथ, ए के साथ, तो इसका मतलब होगा कि एक्स जो है वो नॉर्मलाइजर का मेंबर होगा, ठीक है, नॉर्मलाइजर का मेंबर होगा, क्योंकि ऐसे एक से तो जी का मेंबर हो और वो ए के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता तब वो नॉर्मलाइजर बन जाएगा, ठीक है। अब एक से किसका मेंबर बन जाएगा, नॉर्मलाइजर का, और ये सारे एक से किसका है भाई, जी का है, सभी के लिए सत्य है, तो जितने भी एक से है वो सब नॉर्मलाइजर का मेंबर है बोल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जितने भी एक्स जो ग्रुप में है वो सभी नॉर्मलाइजर का मेंबर है, और नॉर्मलाइजर का मेंबर है इसका मतलब क्या होगा, पूरा ग्रुप ही नॉर्मलाइजर का सबसेट है, छोटा पार्ट है, ठीक है। तो इस लाइन से हमको क्या मिल जाएगा कि पूरा ग्रुप जो कि नॉर्मलाइजर और ए इज अ सबसेट ऑफ जी, ये सिद्ध हो जाएगा इस लाइन के बाद, ठीक। तो हमने क्या सिद्ध कर लिया कि यदि ए बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी होता है तो हमने सिद्ध कर लिया कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ सेंटर ऑफ जी। अब ये देखो, सॉरी, ग्रुप जो है ग्रुप छोटा हो जाएगा यहाँ पे नॉर्मलाइजर ऑफ ए का, क्योंकि सारे ग्रुप का मेंबर नॉर्मलाइजर का मेंबर है बोल रहा है, तो ग्रुप छोटा हो जाएगा इसकी अपेक्षा नॉर्मलाइजर से, ठीक है। तो यहां से आपको मिल जाएगा क्या, इक्वेशन नंबर टू, यहाँ इक्वेशन वन, यहाँ इक्वेशन टू। तो देखिए, नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज अ सब्जेक्ट ऑफ जी है, और यहाँ पे जी इज अ सब्जेक्ट ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए है, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू दोनों ही क्या है, ए इज अ सब्जेक्ट ऑफ बी एंड बी इज अ सब्जेक्ट ऑफ ए, तो इसका मतलब होगा कि ए इज इक्वल टू बी, तो ये दोनों इक्वेशन नंबर वन एंड टू से आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू जी। ये कब की कंडीशन में आया, ये कब की कंडीशन में आया, इफ ए बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी देन नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज इक्वल टू जी, ये होगा, ठीक है। तो हमने ये चीज हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया, ठीक है भाई। अब हमको दूसरा चाहिए, क्या चाहिए भी? कि यदि जी परिमित हो या फाइनाइट हो और उस केस में ए बिलोंग करता है सेंटर ऑफ जी में, तो उस केस में इन दोनों का ऑर्डर इक्वल होगा, दोनों का ऑर्डर क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए समझते हैं दोनों का ऑर्डर कैसे इक्वल होगा, उस पे ध्यान देते हैं, ठीक। देखिए, हमने ये तो प्रूव कर लिया है कि यदि ए बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी देन नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज इक्वल टू जी होगा। अब ये हम नहीं जानते थे कि जी जो होगा, है ना, जी जो है वो, है ना, वो जो है वो फाइनाइट ग्रुप का, फाइनाइट ऑर्डर का है या इनफाइनाइट ऑर्डर, परिमित है या अपरिमित है, ये नहीं जानते थे हम। अभी हमने जो प्रूव किया उसमें हमको ये नहीं पता था कि जी का ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी नॉट डिफाइंड, है ना, मतलब पता ही नहीं है कि वो
कितने ऑर्डर का है, मतलब कितने एलिमेंट है। ठीक है, अब हम मान के चलेंगे कि इसमें कितने ऑर्डर के हैं। तो यदि हम मान के चलते हैं यदि जी परिमित है ना, इफ जी इज फाइनाइट, ठीक है, ये मान के चलते हैं। ठीक है, अब यदि हम ऐसा मान के चले तो उसके हिसाब से क्या होगा। तो चूंकि हमको ये तो पता है कि ए बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी होता है, तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए जो होगा वो जी के इक्वल होगा। ठीक है, अब बताइए ये जी के इक्वल है। ठीक, यदि ये जी के इक्वल है तो जितने लिमिट इसके पास है उतने ही लिमिट दूसरे के पास होना चाहिए, है कि जितने एलिमेंट इसके पास होगा उतने ही लिमिट इसके पास भी होगा, और दोनों ही सेम होंगे, मतलब 1 2 इसके पास है तो 1 2 उसके पास भी होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जितने एलिमेंट इसके पास होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो दोनों ही सेम होंगे, तो इसलिए यहां से आपको पता चल जाएगा कि ऑर्डर ऑफ एन ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ। ठीक है, ये इसलिए बोला गया है कि जी परिमित हो तो आप काउंट करके बता सकते हैं कि दोनों का ऑर्डर सेम। ठीक है, इसलिए हमने बोला कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए जो है इसके इक्वल तो है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो जाता है, और इस टाइप से क्वेश्चन कभी कभी आता है, पेपर में पूछा जाता है ना बीएससी फाइनल ईयर में, तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन के लिए रेडी रहें और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक है, आने वाले जो भी एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो इस टाइप के थ्योरम का यूज करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस थ्योरम का यूज भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट।